हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ सूजी का हलवा। तो हमने पहले ही सारा इंतज़ाम कर लिया है क्योंकि बाद में अरेंज करने में कर दिखाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इसके लिए एक ये कटोरी है, नाप की लेनी होती है। ये 3 पाव मीन्स इतनी मैंने सूजी ली है जो मैंने कढ़ाई में रख दी। इसी को नाप के मैंने चीनी ली है, उतनी ही सूजी, जितनी सूजी है उतनी ही चीनी है। इसके अंदर मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है और ये किशमिश डाल दी है, क्योंकि जब हम किशमिश अगर जब तलने में डालेंगे, जब भूनने में सूजी भूनेंगे तो ये थोड़ी काली काली सी हो जाएगी, इसलिए मैंने ये चीनी के साथ ही डाली है। कुछ मैंने नट्स लिए हैं, ये मैंने इसके एक एक नट्स के मतलब दो दो पीस करे हैं, क्योंकि घर में अगर बुजुर्ग है तो आप ये निकाल के उनको ईजीली दे सकते हैं, किशमिश खा सकते हैं वो, तो इसलिए किशमिश हमने सब में डालेंगे। और ये हम बड़े बड़े होंगे, नहीं कोई खा पाएगा तो उसे हम निकाल देंगे। ये लिया है मैंने पानी। अब आप ये कहोगे पीला कैसे है, तो इसके लिए मैंने लिया है केसर का पानी। उसके लिए मैंने क्या करा था, ये देखिए मैंने केसर की कुछ कलियाँ भिगो के रख दी थी कम से कम 1.5 से 2 घंटे पहले, तो इस पानी को मैंने वो उसमें मिला दिया है। और जो बाकी की ये कलियाँ बच रही हैं इसको फिर पानी में डाल दिया मैंने। इस पानी को मैं दूसरी चीज़ के लिए यूज़ कर लूँगी, आटा गूंदने के लिए किसी भी, तो मैंने केसर का पानी करा है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमने अब सूजी को भूनना है। सूजी हमने रख दी है गैस पे, अब इसके अंदर डालेंगे हम देसी घी। ये देखिए देसी घी, ये घी भी मैंने घर का ही निकाला हुआ है। आपको लगेगा थोड़ा कम है तो हम बाद में भी ऐड कर लेंगे। इसको हम ऐसे ही भूनेंगे। घी की मात्रा सही लग रही है, कम नहीं है, क्योंकि अभी ये मेल्ट होएगा तो अभी ये घी छोड़ देगा। अभी से लगातार 1 से 2 मिनट कम से कम ऐसे ही हमें चलाना है। ये देखिए इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, इसका मतलब अभी ये भून रही है अच्छे से सूजी। अभी थोड़ा इसको हल्का हल्का ब्राउन करना है, ज़्यादा काला नहीं करना है क्योंकि वो स्वाद नहीं आता, कड़वाहट आ जाती है थोड़ा। तो अभी थोड़ा हल्का भूनना है इसको। तो देखिए दोस्तों, अभी ये नीचे लगने भी शुरू हो गया, इसका मतलब ये अच्छे से थोड़ा भून चुका है हमें जितना चाहिए था। अब ज़्यादा नहीं भूनेंगे नहीं तो काला हो जाता है। अब इसके अंदर हम डालेंगे जितनी सूजी थी उतनी ही हमने चीनी डाली है। इसके अंदर हमने ऐड कर दी फूटी हुई इलायची और थोड़ी किशमिश। अब जितनी सूजी थी उसके 3 गुना हम पानी डालेंगे केसर का। बिल्कुल हलवाई जैसा बनेगा। बाजार वाले तो क्या करते हैं, हलवाई वो फूड कलर डालते हैं, फूड कलर नहीं डाल रहे हम केसर डाल रहे हैं, जो ओरिजिनल कलर है अपना, जो नुकसान भी देगा और सही भी रहेगा। इसी के साथ हम डाल देते हैं अपने ये ड्राई फ्रूट। अब इसे कंटिन्यू चलाएंगे। अब गैस को थोड़ा तेज करेंगे और उसे चलाते रहेंगे। ये पतली सूजी है, अगर जो आप मोटी सूजी का बनाना चाहते हैं तो मोटी सूजी का भी बना सकते हैं। अगर जो आपको लगेगा मोटी सूजी में थोड़ा सूखा सूखा सा बना है तो उसमें आप पानी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, बहुत जरा सी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा ही बेकार लगता है। अब याद रखिएगा जितनी हमारी सूजी थी उतनी ही हमारी चीनी थी और उससे 3 गुना हमारा पानी था केसर का। जो हलवाई वाले होते हैं वो केसर नहीं डालते, वो फूड कलर डालते हैं और फूड कलर नुकसान देता है। इसमें ड्राई फ्रूट आप चाहे तो बारीक भी काट सकते हैं, मगर हमने मोटे जानबूझ के रखे हैं, जो कोई नहीं खा पाएगा तो हम उसको इसमें से निकाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, अब ये थोड़ा गाढ़ा होने लगा। अब ये ध्यान रखना, जब ये पकने लगता है तो उसकी छींटे बहुत आती हैं, छींटे लगती हैं, बड़ी दर्द होता है उसके अंदर, तो ज़रा आराम से पीछे को होके कीजिएगा, कंटिन्यू से थोड़ा चलाना है जिससे कि ये थोड़ा अच्छे से गाढ़ा हो जाए। ये देखिए हमारा लगभग ये बनने को तैयार है। हमने गैस थोड़ी फिलहाल कम कर दी है और उसमें 1/2 चम्मच ऊपर से देसी घी डालना है। इसका टेस्ट ही अलग आता है। इस तरीके से कभी बनाइएगा
बहुत स्वाद लगेगा। देखिए अब हमारा तैयार है। अब इसे 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए ढक के हम रख देंगे, फिर सर्व करते हैं। ये देखिए हमारा अब ये हलवा बिल्कुल तैयार है। अब करते हैं हम इसे सर्व। ये देखिए दोस्तों हमारा ये सूजी का हलवा तैयार है, बिल्कुल हलवाइयों जैसा। बट हलवाई फूड कलर डालते हैं, हमने फूड कलर नहीं डाला, हमने इसमें केसर डाला है। केसर को पहले पानी में भिगो के रखा है 1.5 से 2 घंटे, तो तब इसका कलर आया, तब डाला है। अब आप बताइए, खाइए और बताइए कैसा लगा। इसके लिए आपके लिए एक देखिए, इसके लिए धन्यवाद।